हेलो गाइस, जैसे कि आपको मेरे हाथ में 500 नोट दिख रहा है, राइट। सो आज मैं बात करूंगा पैसों की, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे जो इंडिया की करेंसी है उसको हम बोलते हैं रुपी, है ना। जैसे अमेरिका की करेंसी है उसको बोलते हैं डॉलर, है ना। सऊदी अरब की करेंसी है उसको बोलते हैं रियाल। अलग अलग नाम है हर एक जगह की करेंसी का, लेकिन हम इसको एक कॉमन नेम देना चाहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 500 रुपये हैं, आई हैव 500 रुपीज़। अब जैसे मैं अमेरिका से बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे रुपीज़ नहीं बोलूंगा, वहाँ पे तो डॉलर होता है। सो सभी करेंसीज को अगर एक कॉमन नाम दिया जाए जैसे, तो उसको हम बोलते हैं बक, और एक से ज्यादा है तो बक्स बोल देते हैं। जैसे मेरे पास 500 रुपये, आई हैव 500 बक्स। आई हैव 500 बक्स। 1 रुपए तो आई हैव 1 बक, और एक से ज्यादा है आई हैव 2 बक्स, आई हैव 10 बक्स। मतलब जैसे आप बोलते हैं आई हैव 10 रुपीज, तो बोल सकते हैं आई हैव 10 बक्स। जैसे मैं आपसे पूछूं डू यू हैव 10 बक्स, अब अगर आपके पास है आई हैव 10 बक्स, यानी मेरे पास 10 रुपए हैं, या जो भी आप बोलना चाहते हैं। सो आप बक्स लगा लेते हैं रुपीज की जगह। रुपीज की जगह नहीं, डॉलर से, रियाल से, और पाउंड से, कोई भी करेंसी किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की। सो सभी जगह एक कॉमन नेम दे सकते हैं आप बक्स, राइट। जैसे 1 रुपया होता है, तो जैसे थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको बोलते हैं हम 1 बक, और 5 रुपए बोलते हैं हम फाइवर। जैसे 5 रुपए होते हैं उनको बोल देते हैं फाइवर, 10 रुपए बोलते हैं हम टेनर, और रुपी की जगह हम लगा लेते हैं बक, है ना। जैसे और इसको जैसे मैं बोलूँ आपके पास खुले हैं, जैसे लोग बाग बहुत सारे बोलते हैं डू यू हैव चेंज, वो गलत सेंटेंस होता है दोस्तों। डू यू हैव चेंज, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। वाई? बिकॉज चेंज नहीं होता, वो होता है चैन, CHAIN, चैन, राइट, चैन, राइट। तो इसको बोलते हैं चैंस। सो डू यू हैव 500 रुपीज चैंस, है ना, ना कि चेंज, चेंज बोल सकते हैं या चेंस, राइट। या हम इसके अलावा वर्ड यूज कर सकते हैं लूज। डू यू हैव 500 रुपीज लूज? हाँ, अब मेरे पास है आई हैव 500 रुपीज लूज। वैसे मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव 500 रुपीज लूज। आई बिलीव कि आपको ये समझ में आएगा। एक मैंने आप कोशिश की है वीडियो में समझाने की, वैसे इस पे मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा। आई बिलीव कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, जैसा कि आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सो इसको लाइक कीजिए, जैसे कि शेयर कीजिए, और जैसे कि आपको इतनी मदद हो रही है इन वीडियोस को देख के, आप दूसरे लोगों की भी हेल्प करें, और दूसरों की हेल्प करें आप, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमें कॉमेंट में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।